पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद पर इस वक्त सियासी गहमा गहमी खूब बुरुज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत तो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी छोटी बहन आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके साए में वक्तन फवक्तन सियासी सरगर्मियां करती दिखाई दे रही हैं। उनके सियासी अजायम भी अब वाजे होते जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू करते हुए शर्मिला फारूकी ने कहा कि आसिफा भुट्टो इंतहाई फोकस्ड शख्सियत की मालिका हैं और उन्हें पता है कि जिंदगी में उन्हें क्या करना है। उनसे बात करते हुए ऐसा लगता है जैसे वो एक नौजवान लड़की नहीं बल्कि एक मंजी हुई सियासी खातून हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आसिफा भुट्टो की पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तरबियत की जा रही है, मगर आसिफा भुट्टो को सियासी तरबियत की कोई जरूरत नहीं है। आसिफा भुट्टो ने बरतानिया में वाकई 1865 में कायम होने वाली ऑक्सफोर्ड ब्रॉक्स यूनिवर्सिटी यानी साबिक ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आर्ट से सियासियात और सोशियोलॉजी में बैचलर्स डिग्री हासिल कर रखी है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने जुलाई 2016 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट में मास्टर्स किया। 90 की दहाई में जब पाकिस्तान में पोलियो केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए तो पाकिस्तान में सबसे पहले पोलियो वैक्सीन पीने वाली बच्ची आसिफा भुट्टो जरदारी थी। सन 2007 में अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से उन्हें पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का एम्बेसडर मुकर्रर किया गया। आसिफा भुट्टो ने पाकिस्तान में 70% पोलियो वैक्सीनेशन का काम अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाया। पाकिस्तान में 2010 में आने वाले सैलाब के दौरान आसिफा भुट्टो ने इस कुदरती आफत के मुतासरीन की इमदाद में भरपूर हिस्सा लिया। दिसंबर 2013 में फिलिपाइन में शदीद समुद्री तूफान टाइफून हिया, जिसे मुकामी जुबान में योलेंडा का नाम दिया गया, उसके दौरान हलाक या गुम होने वालों की तादाद 7,000 से ज्यादा थी। समुद्री तूफान से मुतासर अफराद की मदद के लिए आसिफा भुट्टो ने 13,000 फुट बुलंदी से जंप लगाई, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर जंप फॉर ह्यूमैनिटी का नाम दिया था। इमदाद के लिए आसिफा भुट्टो ने 2,500 अमरीकी डॉलर्स का टारगेट रखा था, जबकि इकट्ठी होने वाली रकम 2,516 अमरीकी डॉलर्स थी। आसिफा भुट्टो जमानाई तालबेली से ही सियासत में सरगर्म हैं। वो कई सालों से अपने भाई बिलावल भुट्टो जरदारी और वालिद आसिफ अली जरदारी के साथ सियासी जलसों में शिरकत कर रही हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अपने भाई के लाहौर के हलके समेत सिंध में पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम का आगाज करके वो अमली सियासत में कदम रख चुकी हैं। आसिफा भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असम्बली के हलके NA 127 लाहौर समेत पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों के हक में रैलियां और जलसे भी कर चुकी हैं। इसके अलावा आसिफा ने सिंध में मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी मुहिम चलाई, जिनमें टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलेयार के अलावा कराची के मवाज गोट, केमाड़ी, हब रिवर रोड, चनेसर गोट और लियारी में रैलियां शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी एक इंटरव्यू में भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि आसिफा भुट्टो को ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाब लड़ने का मौका दिया जाएगा। इंतखाबात में चंद रोज रहने के बावजूद ताहाल रवायती सियासी सरगर्मियाँ नजर नहीं आ रही, मगर आसिफा भुट्टो की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद कम अज कम सिंध में तो कुछ सियासी सरगर्मी देखी जा सकती है। सीनियर सियासी तजिया निगार और कालम निगार सुहेल सांगी के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क्यादत आसिफा भुट्टो को मरियम नवाज की तरह सियासी तौर पर लाना चाह रही है। इसके लिए इन आम इंतखाबात में उन्हें हिस्सा दिलाने की जरूरत भी नहीं थी। सियासत में सब पत्ते एक साथ नहीं खेले जाते, कोई कार्ड रखा भी जाता है कि वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाए। आसिफा भुट्टो को इंतखाबात में हिस्सा लेने की बजाय सियासी पुख्तगी के लिए सियासी जलसे और रैलियां करवाना बहुत अच्छी सोच है, और वक्त आने पर उन्हें भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का कहा जा सकता है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।